करते हुए जरूर हमें वहां पर नजर आ सकती है, बिकॉज आई थिंक यहां पे टीम बीआई जो है एक दो प्लेस को ऑलरेडी मैच से एलिमिनेट किया जा चुका है। राहुल वाईटी इज गोना बी द होप फॉर द टीम बीआई राइट आउट देयर। जोन की तरफ मूव करें तो D7 के ऊपर जोन रहेगा, साइरो के ऊपर जोन रहेगा एंड सब टीम्स को जोन में मूव करना है। ऑलमोस्ट 9 टीम्स अलाइव हैं अभी हमारे पास, जब सारी टीमों ने यहाँ पर जोन में मूव करना है और यहाँ पर D7 सेंटर में हमें देखने को मिल रही है एंड बहुत अच्छे किल्स उठा सकते हैं D7 वाले एंड साइरो वाले, क्योंकि ये ऑलरेडी जोन में एक होल्डिंग पोजीशन में है। बट ये अब जोन की प्रायोरिटी हमको पहले नंबर पर देख रही है, लेकिन मिसाम किसी तरीके से जोन पे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एरी को D7 की तरफ से अलाउ नहीं करा जाएगा। सामने हमारे पास टीम एक्सिया रहने वाली है, रोमी की तरफ से स्टील साइरो की प्लेयर को स्पॉट करेगा, डेथ करने की कोशिश, बट एरी को ना साइरो की तरफ से भी यहाँ पे रोटेशन लेने की ट्राई करी जा रही है, बिकॉज उनके पास भी एक बहुत ही बढ़िया जोन रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें टीम एक्सिया के पास भी एक अच्छा जोन जा चुका है, राइट आउट एक अच्छी होल्डिंग के लिए ट्राई करें, बट यहाँ पे साइरो की तरफ से स्प्रे आता है, किंग को जो है किंग की तरफ से यहाँ पे स्प्रे जाएगा, एक्सिया के डेटा को नॉक कर जाएगा, पॉइजन उधर जाएंगे, किसी तरीके से अपने टीममेट को रिवाइव देने। सामने उनके स्पाइडर रहने वाले हैं, क्या स्पाइडर अपने टीममेट्स को एक बॉर्डर कवर प्रोवाइड कर पाएगा जब उनके ठीक सामने उनके एक प्लेयर रिवाइव हो रहा हो। लेकिन साइड पे स्ट्राइकर्स के हमें शेरी भी यहां पे देखते हैं, किसी तरीके से अपनी टीम के लिए प्लेसमेंट बनाने की ट्राई कर रहे हैं, लाइक 3 पोजीशन रहने वाली है ऑन द अदर साइड, इनको जोन में पुश करना होगा, बिल्कुल उनके ठीक रहे टीम एक्सिया रहने वाली है, साइरो के पंगनी के आई गेस यहां पे स्पॉट कर लिया एक्सिया के स्पाइडर को और यहां पे टैग देने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मिस कर जाएगा बिकॉज साइरो की किंग ऑन Z9 को यहां पे स्पॉट कर लिया था फ्रॉम D7 और दोनों को यहाँ पे बहुत ज्यादा अटैक पड़ा था, किंग नॉक हो चुके थे, लेकिन 69 की तरफ से वहाँ पे फॉर द टाइम राइट और रिवाइव दिया जाएगा, साइरो का सबका एक प्लेयर हो चुकी है, बट एरी को ना बहुत ही उम्दा स्प्रे आते हुए साइरो पंक की तरफ से यहाँ पर एक्सीआर के पॉइजन को भी नॉक कर दिया गया। जी साइरो को देखा जाए तो बहुत अच्छे नॉक्स निकाल रहे हैं, पंक जिस तरह मूव किए 1 HP पे जोन में एंड देन उन्होंने जोन में आके होल्ड किया और बंदे को नॉक कर दिया, बट हम NS को देखें तो NS का हमारे बंदा एक अलाइव था जो कि हील बैटल कर रहा था, बट उनको भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। मूव करें D7 की तरफ तो D7 यहाँ पर भी स्टिल हमें एक एज पे दिखाई दे रही है, जोन अभी जोन में मूव करना है सारों ने, जोन बहुत छोटा हो चुका है, 4 टीम्स आर स्टिल अलाइव, 11 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव, जोन में मूव करना है सबसे पहली प्रायोरिटी समझी जाएगी क्योंकि ये वाला जोन बहुत डैमेज दे XTR की मूव तरफ मूव करने तो XTR के पास एक अच्छी पोजीशन रहेगी, साइरो के पास एक अच्छी पोजीशन रहेगी विद द 3 मैन अलाइव, बट XTR के जो सोलो शेरी जेन सरवाइव कर ले तो उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। अब यहाँ पे टीम SCR के लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत बढ़ते हुए, लेकिन राइट और XTR का डेटा को स्पॉट करा जाता है, स्प्रे देने की कोशिश करेंगे जोन के बाहर से, लेकिन डेल्टा उनको नॉक कर देंगे एंड फ्रॉम द बैक साइड यहाँ पे जोन से डेल्टा की तरफ नॉक जाते हुए, लेकिन D7 रश के लिए भी यहाँ पे दिक्कत बढ़ चुकी है, D7 के हेडमैन भी कन्फर्म हो चुके हैं, बट एरी गोना और D7 की तरफ से ये किल कन्फर्म जाएगा ऑन टू द साइड, XTR के डेल्टा का भी यहाँ पे किल कन्फर्म कर दिया जाएगा, नाउ इट्स आई गेस 2v3 हेडमैन यहाँ पे जो है रिवाइव नहीं हो सकते, हम D7 के आई गेस रश को यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है, उसके बाद रोमियो को एक बहुत ही उम्दा बैकअप प्रोवाइड करना है, टीम साइरो के पास यहाँ पे जोन नहीं रहने वाला और D7 राइट एक बहुत ही उम्दा जोन में, गाइस कौन सी वो टीम होगी जो कि यहाँ पे ग्रुप बी में आखिरी चिकन डिनर सैनो के मैप में निकाल पाएगी, कौन सी वो टीम होने वाली, लेकिन G9 की तरफ से किसी तरह एक उम्दा फ्लैंक की ट्राई करी जा रही है, अगर 69 का ये फ्लैंक कामयाब रहता है तो D7 के दो बंदों को पिक करने में ट्राई रहेगा, लेकिन D7 रोमियो की यहाँ पे एक बढ़िया पोजीशन रहने वाली है, 69 को स्पॉट करी जाएगा, स्प्रे करने की कोशिश करी जा रही है, समाउट अटैक करा जाएगा, रश को यहाँ पे नॉक कर देगा, रोमियो को एक अच्छे टीम के साथ टीममेट को कवर देना पड़ेगा, बट ऑन एंड ऑन यहाँ पे ट्राई करी जाती है साइरो के पंख की तरफ से किसी तरीके से Z9 को वहां पे बढ़िया कवर दे पाए। जी साइरो की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा किस तरह Z9 ने एक फ्लैंक दिखाया और अब somehow पीछे से एक नॉक पड़ा है रश को जो कि बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटिंग रहेगा D7 के लिए, बट हिटमैन यहां पर अकेले सरवाइव करते हुए दिख रहे हैं, एक नॉक निकाल चुके हैं एंड देन हियर वी गो विद 1v2, हमें 1v1 देखने को मिलेगा हिटमैन की तरफ से, साइरो के G9 जो कि बहुत लो HP पे, क्या हिटमैन यहां पर पुश करेंगे, G9 को यहां पर हील करने का टाइम मिलेगा, हिटमैन देखा जाए तो एक रॉक के कवर में एंड हियर वी गो, बहुत ही उम्दा जा रहा है यहाँ पे चिकन गया D7 के हिटमैन को जो कि मुझे राइट ऑन लग रहे थे कि रिवाइव नहीं हो पाएंगे, लेकिन रिवाइव के क्या ही कमबैक दिखाया गया है, आखिरी का मैप सैनोक पे D7 ऑन एंड ऑन चिकन निकालते हुए विद 9 किल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेले गए, लेकिन इसके डेफिनेटली बिल्कुल ठीक कहा अपने फोटो, लेकिन लाइक लुक एट द लैंडिंग्स, कुछ टीम्स ऐसी हैं जो कि अपना वंस अगेन मिरामार के अंदर यहाँ पे चेंज करते हुए नजर आई है, लेकिन उसके साथ साथ
ही D7 अमाद की तरफ से एक बढ़िया हेडशॉट हमें देखने को मिला था और NSK पोपो को जो है यहाँ पर विद इन इंस्टेंट नॉक करते हुए फिनिश कर दिया गया फ्रॉम D7। और हम लोग बात करते हैं जब लैंडिंग के, तो मैं इसी क्लैन की बात करना चाह रहा था कि D7 की तरफ से समहाउ लैंडिंग यहाँ पे चेंज करी गई है, लेकिन बिल्कुल उनके ठीक साथ रहने वाली थी टीम NS जो का यहाँ से गाड़ी देकर निकाल रही थी। और वंस अगेन पहले ही खेल जाते हुए D7 हमाद के खाते में और यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी। बिल्कुल D7 के स्क्वाड ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, प्लेयर्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आती है, एक प्लेयर नजर आता है और बिल्कुल आपको पता है कि उतरते 7 प्लेयर के पास तो प्रोटेक्शन होगी नहीं, उनके पास हमें वेपन्स भी नहीं होंगे और मेनली जब आपका क्लैश हो जाता है या फिर आप किसी के पास उतरते हैं तो प्लेयर्स बिल्कुल यही ट्राई करते हैं एज सून एज पॉसिबल वहां से निकले। बट दिस टाइम अराउंड किस्मत यहाँ पे अच्छी नहीं थी प्लेयर की, हमाद यहाँ पे देख लेते हैं उनको और इंस्टेंट जो था विन 94 का एक ऐसे हमें शॉट दिया गया और उसके फौरन ही बाद मतलब आपको विन 94 का हेडशॉट मिल गया। हमें पता है ये एक बोल्ट एक्शन है, उसके फायर्स के बाद तो चांस ही नहीं, मतलब आपके पास अगर बिल्कुल टीम SCR की बात करें तो उनकी भी टीम FG से राइट ऑफ फाइट नजर आ रही है, बिल्कुल उनके बैक एंड पे यहाँ पे 2v4 वाले रहने वाले हैं और NS के कुछ प्लेयर्स भी यहाँ पे जोर से बायपोर्ट होते हुए दिख रहे हैं। 2v4 के सेंटर किसी तरीके से अपनी टीम में जो है वो पोजीशन सिक्योर करने की ट्राई कर रहे हैं, किसी तरीके से जोर में एंट्री करी जा रही है, लेकिन राइट यहाँ पे राहुल की थोड़ी सी दिक्कत बढ़ते हुए बिकॉज राहुल को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। क्या यहाँ पे रोल जो है एक अच्छा कवर प्रोवाइड कर पाएंगे और D7 बिल्कुल इनके राइट साइड पर रहने वाली है जो कि राइट नाउ किसी तरीके से जोर में एंट्री करने की ट्राई कर रही है। पोर्टल बिल्कुल D7 की साइड से आगे बढ़ा जा रहा है, वहीं पर BI के जो लॉल्स वगैरह थे अपने टीम में राहुल YD को थोड़ी देर पहले एक बहुत ही पहले डिस्ट्रक्शन दिखाई गई टीम BI के एंड से, बट देखिए को स्मोक या मेंट होता नजर आ रहा है, स्मोक खत्म होता नजर आ रहा है, राहुल YD फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोज हो जाते हैं और रोमियो के शॉट से अटैक करके दोबारा नॉकआउट कर दिए जाते हैं और टीम BI के लिए ये मुश्किल जो है वो ज्यादा हो सकती है। D7 के प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल ट्राई करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग हमने जब बात की थी स्टार्ट में हमने यही बात करी ये वो 2-3 टीमें हैं जो कि टॉप पर नजर आती है, दिस टाइम अराउंड टीम D7 BI को ले लेगी और BI के स्क्वाड को फाइनली यहाँ पर इलिमिनेट कर दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वहां पर डिसएडवांटेज था लोल्स और राहुल के लिए कि वो बिल्कुल एक ओपन एरिया में एक बगी के पीछे जिसका ज्यादा कवर नहीं था और टीम मैच से इलिमिनेट हो चुकी है। बट दे यू गो टीम जिनकी बात करें तो FG के साथ इनकी भी यहाँ पे फाइट होती नजर आ जाएगी, नेड्स का तबादला हो रहा है दोनों टीमों के दरमियान जिनके स्क्वाड साइड पर 3 बंदे नजर आ रहे हैं, तो टीम FG के लिए मैच में 4 प्लेयर है एक परफेक्ट स्क्वाड नजर आ जाता है FG की साइड से। लास्ट मैच में हमें जो अच्छा गेम प्ले देखने को मिला था, लेट्स सी दिस टाइम अराउंड टीम FG किस तरह से जाती है, लास्ट मैच का चिकन निकालने वाली कैसी टीम थी और दिस टाइम अराउंड क्या ये प्लेयर्स हैं टीम जिनको लेने में कामयाब हो जाएंगे, ये प्लेयर्स जो आगे बढ़ रहे हैं वो आगे जा रहे हैं टीम जिनकी साइड से, इनकी एचपी जो काफी लो की जाती है स्टिल आगे बढ़ जाते हैं अंदर जाते हैं और अपने आप को हील अप जो करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। बट ऑन द अदर साइड टीम D7 एक और स्क्वाड को खा जाएगी, रश YT जो है वो उनके एंड पर 2 किल देखे जा सकते हैं, टीम D7 डोमिनेटिंग एंड डोमिनेटिंग राइट एट द मोमेंट, 13 किल के साथ टीम बहुत ही प्यारा में नजर आ रही है मैं खेलते हुए। यहाँ पर रश की बात करें तो यहाँ पे कान एंट्री देखने को मिलती है, FG के बैकर को वहाँ पे किसी तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं, जेन क्या सीमा पे नॉक हो चुके हैं, 3 टीम्स में से कौन सी वो टीम रहेगी जो कि उमदा चिकन निकाल पाएंगे, हमारी तरफ से प्रोमो किए जाते हैं स्प्रे करने की कोशिश करी जाती है, FG के क्लैन को रेट आई सी जेन के ऊपर पुश करना पड़ेगा और जेन के साथ साथ उनको जो है यहाँ पे जोन की एंट्री भी करनी पड़ेगी, लेकिन बैकर का जो है यहाँ पे कवर फायर देखने को मिलता है किसी तरीके से, बैरल यहाँ पे यूज कर जा रहे हैं फ्रॉम द साइड बेकर FG के यहाँ पे वैसे रहेंगे, जेन रैन की तरफ से एक बहुत ही उमदा शॉट हमको देखने को मिलता है, D7 के असलान को वहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो है नॉकआउट भी दिए जा रहे हैं और प्लेयर की साइड से हमें खुद को हील अप भी किया जा रहा है, IC टीम जिनके साइड से ऑलरेडी मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 ही बंदे रहेंगे रयान एंड यहाँ पर हमारे दूसरे के टीममेट, लेकिन यहाँ पर इनके पास जो M4 है हम लोग रयान की कॉम्बो की बात करें M4+AWM तो ऑब्वियसली ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, नीड्स यहाँ पर जो है रयान ट्राई करना चाहेंगे, रयान जस्ट वांट टू चेक इज द चेकआउट की यहाँ पर इनके पास जो नीड्स है वो लेके अभी काम करते हैं कि नहीं करते, इनका डैमेज है वो होता है कि नहीं होता, तो फाइनली यहाँ पर जो डैमेज को चेक करने के चक्कर में शायद किसी बंदे को डैमेज कर सकते थे लेकिन समहाउ यहाँ पर जो है वो अब डैमेज तो नहीं डील कर पाएंगे, बट इनको आगे अब जाना पड़ेगा, मतलब जो जोन में नजर आ रहा है वो टीम D7 के पास ऑल द वे रहेगा, लुक एट दिस, मतलब रिजेस का बहुत ही प्यारा जोन बता नजर आता है हमें, एक जो रिज है वो बिल्कुल टोटली टीम D7 के पास है, टीम D7 के कब्जे में और प्लेयर्स जो है सामने अपने जो टीम है उनको देख सकते हैं, एक हाइट की एडवांटेज निकल सकते हैं, फाइनली हमाद जो है शॉट देते हैं, बेकर को नॉकआउट भी देंगे, सफी जो है वो भी आगे रहते हैं, हम लोग सफी की बात करें ही जस्ट गेट्स डाउन एज जिनकी साइड से शॉट्स किए जाते हैं, प्लेयर यहाँ पे जो है नॉकआउट निकालेंगे, डैमेज ये भी यहाँ पर करवाएंगे खुद को जोन ही के अंदर से, लेकिन यहाँ पर टीम D7 ऑल द वे वो टीम होने वाली है जो कि चिकन डिनर लेके जाने वाली है, जिनके प्लेयर अटैक कर रहे हैं टीम D7 के, क्रश YD को भी नॉकआउट दिया जाएगा, D7
विद द डोमिनेशन राइट आउट द 16 किल्स। आखिरी बंदे को भी लेके जाने की कोशिश की जाएगी। रैंडम में स्मोक्स आना शुरू हो चुके हैं। एफजी का आखिरी बंदा जोन के अंदर यहां पे रहेगा। जोन के एज पर जाना चाह रहे हैं हमाद। हमाद रैंडम नेट के साथ ट्राई कर रहे हैं। मे बी हमाद अगर ज्यादा आगे बढ़ के ट्राई करते हैं तो शायद ये नॉकआउट हो सकते हैं, बट फिनिश तो शायद होना हो। उसके साथ टीम एफजी के लिए जरूर मुश्किल आएंगे, बिकॉज आखिरी बंदा है हीलिंग बैटल वो करना शुरू की जा चुकी है। नो फर्स्ट एड किट्स इनके पास यहाँ पे रहेंगी एंड हील बैटल करते करते काफी लंबा टाइम ही हो सकता है टीम एफजी के लिए, बट लेट्स सी बिकॉज बूस्टर्स इनके में खत्म हो रहे हैं। बूस्टर जैसे खत्म होंगे किसी एक टाइम पे जाके एफजी के ये प्लेयर वो भी जरूर दम तोड़ देंगे और टीम एफजी के अगेंस्ट टीम डी से हमें चिकन डिनर लेके जाती हुई नजर आ जाएगी। यहाँ पर एफजी के नो नेम की तरफ से स्टिल अभी भी यहाँ पे फर्स्ट चेस लगाई जा रही है। ऑल तो डी सेवन तो यहाँ पे उमदा चिकन डिनर निकाली पाएगी, लेकिन आजलान की तरफ से स्टिल वहाँ पे बंदूक को स्मोक अंदर स्कॉट करा जा रहा था। एफजी के नो नेम एक और ही लगाते हुए लिटरली 12 फर्स्ट एड्स थी और पूरी की पूरी यूज करी जा रही है। एक इनके लिए खुद भी चैलेंज है कि क्या वो सब फर्स्ट एड लगाने में ट्राई अपनी कामयाब हो पाएंगे, बिकॉज इनकी एक तरीके से प्रैक्टिस हो रही है। अगर इनका चिकन नहीं निकलता इनकी एक अगले राउंड के लिए प्रैक्टिस रहने वाली है। अगले मैच में कोई हील बर्डल की टीम नजर आती है तो वो जो है यहाँ पर एफजी की तरफ से एक अच्छा स्टेप लिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आखिर किल मेरा ख्याल निकालने की ट्राई करेंगे, अजलान को नॉक करने की ट्राई कर जाएंगे, लेकिन कंफर्म नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ D7 17 किल के साथ ऑन द वे एक बसड़ी चिकन निकालते हुए। गाइस मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ये टूर्नामेंट हमको ब्रिज के डाउन साइड पर नजर आती है, लेकिन किसी तरीके से वो लोग जोन क्रॉस करके फ्रॉम देयर लेफ्ट साइड मिलिट्री वाले बेस से वो लोग अभी ऑन द वे बैक टू बैक हमको यहाँ पे जोन में मूव करते हुए दिखाई दे जा सकती, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे टीम D7 की भी रोटेशन नजर आती है जिनके साथ हमको मिरेंगल में पड़ी है। तो D7 को यहाँ पे स्पॉट करेंगे कि उनकी तरफ से रेड नॉक कहाँ का स्पॉट लिया जा रहा है। बिल्कुल D7 की बात करें तो ऑब्वियसली बिल्कुल हमारे पास जो था एक इस टीम की साइड से एक मैच में चिकन डिनर निकाला गया था। आई थिंक दैट वाज मिरामार आउट देयर। मिरामार में टीम D7 ने चिकन डिनर निकाला था, तो ऑब्वियसली टीम D7 दोबारा फिर से इनके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि ये वो टीम बन जाए जो कि डबल चिकन डिनर करें हमारे पास हमारे आज के चार मैचों में। और अगर आप डबल चिकन डिनर करते हैं ऑब्वियसली जहां पर हम लोग बात करते हैं रोड टू द फाइनल्स, तो आपके लिए तो राहें बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकती हैं और आप शायद जो है वो टीम बन सकते हैं जो कि सबसे पहले अपने लिए जो है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी टूवर्ड्स द फाइनल्स आउट देयर। बिकॉज कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन काफ़ी टफ नज़र आ जाता है, जहां पर कुछ टीमों को क्लियर है कि हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, वहीं पर कुछ ऐसी भी टीमें हैं जो कि स्टिल यहां पर फाइट कर रही हैं कि हमने सेमीफाइनल्स में जो है टॉप पर फिनिश कर रहे हैं और बिल्कुल अपने लिए इजी वे में फाइनल की तरफ जो है बढ़ना है। कैन यू बिलीव दिस, लाइक एक इतना इनसेन नेट कैसे हो सकता है भाई। बंदा मतलब आखिरी बंदे को दूसरी से लेके गए, लेकिन बाकी जो फेज हैं उनको नेट करके खत्म कर दिया है। हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि स्टेज का ये जो पोजीशन है काफी ज्यादा क्रिटिकल और यहाँ पर जिसके आपके जो है नेट के अलावा कोई बंदा लेके नहीं जा सकता, तो हैदर ने वहीं पर एक अपनी साइड से एक नेट दिया है। वहां पर नेट से दो बंदे मारे और साथ ही उसी से एक बंदे को फिनिश कर दिया है बिल्कुल विद इन फ्यू सेकेंड। दिस इज व्हाट यू कॉल अ स्क्वाड वाइप, 1v3 इन नो टाइम आउट देयर। और टीम बीएस के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी, प्लेयर्स को किल्स मिल चुके हैं। हमारे पास एक मेनली जो टीम है वो मैच से एलिमिनेट हो चुकी है, 13 टीम है हमारे पास स्टिल मैच में रहेंगी, 45 प्लेयर्स हैं। एंड जहां पर हम लोग बात कर रहे थे मैच के स्टार्ट में कि शायद इस मैच में जल्दी जल्दी प्लेयर्स में मैच से एलिमिनेट हो सकते हैं, बट स्टिल हम लोग यहां पर जो देख सकते हैं कि हमारे पास किसी ना किसी तरीके से करते ना करते हुए चाहते ना चाहते हुए भी प्लेयर्स चाहे ना चाहे लेकिन स्टिल फाइट जो है वो ऐसी रहती है कि डिस्टेंस जो है वो हो जाता है प्लेयर्स का और हमारे पास किसी तरह से एंड पर टीमें बची जाती हैं। मतलब दोबारा फिर से 13 टीमें अभी भी इस मैच में रहेंगी जो कि हम लोग कह सकते हैं एज कम्पेयर टू तो अरेबियनिक और बाकी हमारे मैचेज जो थे उनके मुकाबले में शायद यहाँ पर कम टीमें, बिकॉज पहले तो 15-15, 16-16 की मतलब पूरी की पूरी टीमें मिल सकती हैं। जिसके पास हील ज्यादा होगी वही वहाँ पे विन करे, जिसके पास जो है बूस्टर ज्यादा होगी वही वहाँ पे विन करे। लेकिन वो तात हम लोग होने की बात कर ही रही है तो वहीं पर दोबारा फिर से शॉट जाते हैं। लुक एट दैट, दोबारा फिर से जिन का स्क्वाड, मतलब जिनके टीम भी दिस टाइम अराउंड दे आर नॉट कमिंग स्लो। जहां पर देखो टीम जिन, जहां पर देखो टीम जिन और जिनके बॉयज आर जस्ट टेकिंग इट ऑल टू देयर साइड। क्या यहाँ पर टीम जिन टीम एसटीआर को एलिमिनेट करके ये किल्स अपने बैग में डालेगी, बिकॉज इनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट यहाँ पर यहीं पर प्लेयर्स नहीं रुकने वाले, D7 के साथ भी एंगेजमेंट है वो शो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन D7 के साथ शॉट्स आते हैं और टीम जिनके एक प्लेयर को यहाँ पर डाउन जरूर किया जाएगा और जिनके रयान को फाइनली मैच से एलिमिनेट भी कर देंगे प्लेयर।
पर उसके साथ साथ को टीम जो है जोन के लिए ऑन द वे ट्राई करेंगे। जेन यहाँ पे टी सेवन के क्लैन की तरफ से वहाँ पे ऑन द साइड डी जेन को स्पॉट करने का अटैक देने की कोशिश करी जा रही है। एजी के मेंबर्स यहाँ पे डाउन टू द साइड एनएस की टीम से फाड़ लेते हैं। सारों के पीछे टीम लुक एट देम गोइंग ऑनवर्ड। तीन बंदे हमें टीम बीएस के पास रहेंगे और प्लेयर्स हमें डायरेक्टली आगे जाना चाहते हैं, लेकिन समझ है शॉट देते हैं हंट टू आईडी और नॉकआउट निकालने में जरूर कामयाब होंगे। एजी नईम का एक शॉट है दैट कनेक्शन नॉकआउट निकालने में कामयाब होंगे। टीम बीआई के ऊपर मजीद यहां पे डैमेज देगा, प्लेयर को डाउन की देगा, लेकिन राहुल आर की शॉट्स आते हैं। प्लेयर्स यहां पे जो है बीएस के बंदे को डाउन करते हैं, उनको मैच से एलिमिनेट करने में कोशिश करने में कामयाब हो सकते हैं। लुक एट दिस क्लोज रेंज बैटल, टीम बीएस के प्लेयर्स हैं वो हमें फाइट करते नजर आ देंगे। एंड फाइनली बीएस के स्क्वाड से हमें ट्राई की जाती है, बट दिस टाइम अराउंड टीम बीआई जो है वो फाइट को विन करेगी। राहुल वाईटी रैप्टर के एक बंदे को मैच से एलिमिनेट करेंगे और टीम डी7 जो है वो बीआई के प्लेयर्स को भी मैच से एलिमिनेट करते हुए जरूर हमें वहां पे नजर आ सकती है। बिकॉज आई थिंक यहां पे टीम बीआई के जो है एक दो प्लेयर्स को ऑलरेडी मैच राहुल वाईटी इज गोना बी द होप फॉर द टीम बीआई राइट आउट देयर। राहुल वाईटी अकेले यहां पर टीम के लिए बच चुके हैं। डी सेवन दोबारा बेस मूड में नजर आ रही है और टीम बी से बीआई जो है डी सेवन जो है हमारे पास दोबारा बेस शायद नजर आ सकती है आफ्टर मीरा मार के वो लोग इस मैच में चिकन डिनर निकाले। बट इनके लिए जो मुश्किल रहने वाले जो टीम इनके अगेंस्ट रहने वाली वो टीम एजी और टीम बीआई या बीआई की साइड हमें पता है ऑलरेडी एक एक प्लेयर जब इस तरह की परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है कि मतलब दे आर वन मैन आर्मी इन देमसेल्व्स। सो लेट्स सी क्या राहुल वाईटी यहाँ पर किस तरीके का कोई क्लच जो है वो पुश किया जाए हमें दिखाते हुए नजर आ पाएंगे या फिर समहाउ जो है वो अपनी टीम के लिए चिकन डिनर निकालने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। बिकॉज स्टिल ही हैज गॉट द स्पॉट जहां से वो अच्छी फाइट जो है टीम एजी और टीम डीएसएन के साथ ले सकते हैं। बिल्कुल डी का और उसके साथ साथ डी सेवन के रोमी को किसी तरीके से डीपी का स्प्रे जाते हुए वहाँ पे राहुल को कनेक्ट करते हैं। बी आई यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी लेकिन राइट टॉप एजी रहेगी जो कि स्टिल अपनी थ्री मैन के साथ एक उम्दा पोजीशन लेते हुए दिखी थी। डी सेवन वन सेकेंड होल्ड करके एक बंदा जाकर जोन में लगाने की ट्राई करेगा। हेडमैन वॉज द गार्डियन की तरफ से एक बढ़िया जोन ले लिया जाएगा। डी सेवन विद यर थ्री मैन स्टिल उन कंटेनर्स पर होल्ड करते हुए लाइफ साइड पर देखें तो एजी इधर रहेगा विद यर थ्री मैन। थ्री एजी की तरफ से मैं बात करूँ टोटल तो थ्री मैन ने ही ज्वाइन करवाए थे और उनके तीनों तीनों मैन की तरफ से बहुत सेकंड पोजीशन पर और